अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको याद होगा कि टेलीग्राम पर मैंने 18 तारीख से शुरुआत करी थी इस ट्रेडिंग की कि हम लोग एक मिल के कमाते हैं साथ में। चूंकि मेरे पास भी फुर्सत नहीं था तो मैं पिछले ही हफ्ते से फुर्सत में आया और आप लोगों के साथ में शुरू किया ये ट्रेडिंग करना। ये देखिए, यहाँ पर मेरा आईडी है ये, और यहाँ पर रिपोर्ट है कि पिछले, यहाँ पे देखिए, 14/4 से लेकर 14/4 तक, 22/4 तक, यानी कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के बीच में क्या रहा है मेरा सेगमेंट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये देखिए, ये रिजल्ट निकल के आया है कितना, 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, नेट प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कहीं फेक है, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा जीरोधा का जो अकाउंट मैं यूज करता हूँ उसी का ये है। ठीक है, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये अप्रैल लिखा हुआ, अप्रैल, यहाँ पर आप हर ग्रीन ग्रीन जो है ये बताता है कि उस दिन प्रॉफिट हुआ है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन चूंकि मैं इसी महीने से आप लोगों के साथ में शुरू किया हूँ इसलिए इस महीने का दिखा रहा हूं मैं। इससे दो एक हफ्ता पहले का करूंगा तो 2-3 20-25 हजार नुकसान भी हुआ है मेरा, लेकिन ओवरऑल मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये 18 तारीख को देखिए, सबसे पहला जो प्रॉफिट हुआ था वो 9,855 का हुआ था, फिर उसके बाद 19 तारीख को 22,800 का हुआ था, फिर 20 तारीख को 10,000 का हुआ था, फिर 21 तारीख को 33,000 का हुआ था, फिर 22 तारीख को 43,000 का। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है लगभग 1,20,000 के करीब हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ चार्जेस भी कटे हैं 11,000 के करीब। तो देखिए, ये मकसद मेरा दिखाने का बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं पैसा कमा रहा हूं या कुछ ऐसा है, ये मैंने बहुत पैसा लगाया भी है, गंवाया भी है। ठीक है, लेकिन मकसद क्या है कि टेक्निकल नॉलेज, एनालिसिस और थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा क्या, बहुत सारा डेडिकेशन और उतना ही कूल एंड काम माइंड और परसिस्टेंसी होना चाहिए। मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि लोग पोस्ट भी सही से नहीं देखते हैं, टेलीग्राम में मैं जो डालता हूँ वीडियो वो भी सही से नहीं देखते हैं, डायरेक्ट सीधे नंबर पे कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप नंबर अपना दे देंगे, हाँ मुझे ज्वाइन करना है। अरे भैया, ज्वाइन करके क्या मुझे कोई जड़ी बूटी दे देना है क्या कि सब लोग कमाने लग जाएंगे। हम लोगों को इसमें समय देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना समय देना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाकर आपको ये जो है रिजल्ट इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहीं नुकसान भी हुआ 13,000 का, इसमें पूरा डिटेल आ जाएगा कहां पर कैसे कैसे क्या फायदा क्या नुकसान हुआ था। ठीक है, 29,000 का भी नुकसान हुआ था। तो इस तरीके से जो है टोटल ओवरऑल बस ये होना चाहिए कि नुकसान फायदा होता रहे। मैं बताया ना, ट्रेडिंग में फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान आपका फायदे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फायदा हमेशा आपका ज्यादा होना चाहिए, नुकसान कम होना चाहिए, तभी जाकर अच्छा होगा, ट्रेडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप पीएनएल, ये कंप्यूटर पे ही सिर्फ देखेगा, जीरोधा के अकाउंट में आपको यहाँ पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पीएनएल, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद से ये आप क्लिक करेंगे इसको तो ये पूरा ओपन होकर ऐसे आ जाएगा कि किस दिन क्या क्या फायदा हुआ क्या क्या नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों करना है अपने को, जो मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं उसको स्टडी करिए पर डे। मैं उस फेज से गुजरा हूं जिस फेज से आप लोग अभी गुजर रहे हैं, बार बार मैसेज करना, बताइए क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, क्या पहले आप इसका बेसिक चीज सीख जाओ कि क्या है ये, चार्ट किसको कहते हैं, ये ट्रेडिंग किसको कहते हैं, क्या है इसके अंदर में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, क्यों एक ही लाइन से होकर गुजरता है कोई भी क्या कहते हैं ट्रेड लाइन, ये देखिए आप क्यों इसी तरीके से क्यों ये बन रहा है कि यहीं पर आके सब टच कर रहा है, एक बार यहाँ आके टच किया, फिर यहाँ पर नीचे आया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो मार्केट है, आप देखिए यहां पर ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है आपको, ये वाला, यहां पर आकर एक बार यहां टच किया, फिर एक बार यहां पर आकर टच करके रुक रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। फिर यहां वहीं पर आप ये भी चेक करिए कि इस जगह पर भी देखिए आप नीचे में, कि यहां पर एक बार यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ टच किया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आके टच किया, फिर यहाँ इसको जब क्रॉस किया ये ग्रीन को, तो अब यहाँ ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट की तरह यहाँ आया। आखिर इस सब चीजों का टेक्निकल एनालिसिस जब तक नहीं कीजिएगा आप, तब तक नहीं समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तब तक चलिए, मेरा मकसद था, चूंकि फ्राइडे लास्ट डे होता है ट्रेडिंग का हर वीक में, ठीक है, तो आज वीक के एंड में क्या प्रॉफिट हुआ वो मुझे दिखाना आप लोगों का मकसद था, और इसके पीछे मत जाइएगा कि पैसा इतना आ गया, ये हो गया, ऐसे कमा लिया, नहीं, मकसद है कि आप सीखिए,
उसके बाद ही कमाने का सोचिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।